नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाइयों को, और ध्यान से देखना लाल लाल यो। आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा शानदार एंड जानदार टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं प्यारे साथियों। ये ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ मैं आपके, जो रीट की दृष्टि से, अन्य एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्यारे साथियों। ध्यान से देखना, राजस्थान का इतिहास में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सभ्यता। सभ्यता में से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ प्यारे साथियों। ध्यान से देखना, ये रहा स्क्रीन पर पहला सभ्यता का क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सभ्यता का पहला क्वेश्चन, ध्यान से अध्ययन करो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर उपस्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर राजस्थान में कहाँ स्थित है चिंटू चिंटूडियो। तो देखो प्यारे साथियों, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। नगरी अगर स्थान होता तो नगरी स्थान है चित्तौड़गढ़ में। नगरी स्थान कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यहां नगर पूछा गया है तो नगर कहाँ है? टोंक में है। तो इट इज राइट आंसर, टोंक में। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर पूछा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा प्राचीन सभ्यताओं में से कालीबंगा पुरातत्व के किस दिशा में जुता हुआ खेत का निशान मिलता है या खेत मिलता है? ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि प्राचीन सभ्यताओं में से हल से जुता हुआ खेत का निशान कहाँ मिला। तो हल से जुता खेत का निशान या हल से जुता खेत कहाँ मिला? तो हल से जुता जो खेत है वो तो कालीबंगा में मिला, आप कर देते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, कालीबंगा पुरातत्व के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला, यहाँ दिशा पूछी लाल लालियों। तो दिशा आपको बतानी है। अब देखो, अब समस्या ये आ गई कि साहब इसमें दिशा क्या होगी साहब। तो देखे लाल लालियो, कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में घगर नदी से खोजा गया स्थल था जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, दृश्वती नदी या मर्त नदी। यहां से जो स्थल खोजा था वो कालीबंगा था। 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कालीबंगा पुरातत्व किस दिशा में जुता हुआ खेत का निशान मिला। प्यारे साथियों, ये मिला था दक्षिण पूर्व। आपको ध्यान रखना है कि खेत जो था वो कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित था, ये आपको ध्यान रखना लाल लालियो। अब कह रहे हो कि क्वेश्चन सर कैसा घुमा दिया, तो परीक्षा वाला अपना फूफा जी नहीं है कि वो अपन को पूछ के देगा कि भाई आप कह दो जो दे दे। अगला क्वेश्चन है, आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? प्यारे बच्चों, पहले तो अपन क्लियर कर लेते हैं, पहले क्लियर करते हैं कि 1953 में, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की। आहड़ सभ्यता की खोज की आयर नदी से की। कौन सी नदी से की? आयर नदी से की। और ये आयर नदी कहाँ है? ये उदयपुर में है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है लाल लालियों? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है
कि भाई जो आहार सभ्यता थी उसकी सर्वप्रथम में खुदाई किसने करी, तो यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास इसका आंसर जाएगा लाल लालियो। हालांकि मैं आपको बता दूं, बाद में चलकर इसमें HD सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल जैसे इंसान भी इसकी खुदाई में शामिल हो जाते हैं लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बड़ा जानदार, सभ्यता टॉपिक आप पढ़ते हो लेकिन क्वेश्चन सही करने के मायने से कभी कभार चूक जाते हो, क्योंकि सभ्यताओं में से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश मैं पैमाने से ही समाप्त कर दूंगा। तुमने देखा है सलमान खान की पिक्चर गर्व, उसमें वो मल्टीप्लाई करता है इसे, तो मैं भी आप लोगों को गर्व के साथ कह सकता हूँ लाल लालियों कि गलत ना होगा, गलत ना होगा, क्योंकि अब तक जो पढ़ा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है साथियों, ध्यान दो। दो मुंह के चूल्हे बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिल बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिलते हैं? आहार, पहले तो पॉज मॉडम कर लेते हैं इनका। आहार सभ्यता उदयपुर में है आप जानते हो, और आहार सभ्यता उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और बागोड़ सभ्यता भीलवाड़ा में है, और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। देखो क्वेश्चन है कि दो मुंह के चूल्हे, और क्वेश्चन है बहुत प्रकार के बर्तन, ये आपको किस सभ्यता से प्राप्त हुए ये आपको ध्यान रखना है लाल लालियों। तो देखो इसमें बात आ रही है चूल्हे, बात आ रही बर्तन, बहुत सारे बर्तन, सिलबट्टा। अब इसमें कुछ बातें ऐसी पकड़नी लाल लालियों आपको, चूल्हा गांव में होता है, सिलबट्टा का प्रयोग भी ज्यादातर ग्रामीण अंचलों में करते हैं, बहुत सारे बर्तन नाना प्रकार के आपको पता है, मिट्टी के भी बर्तन, हांडियां ये जो है, यानी कि कुल मिला के बात है लाल लालियों, कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी लाल लालियों, तो यहां से तो उम्मीद समाप्त हो जाती लाल लालियों। तो आहार सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता थी आहार सभ्यता, और परिवार संयुक्ता लाल लालियों। अब परिवार जब संयुक्ता, तो संयुक्त परिवार में ऐसा देखा गया है कि आड़ में एक साथ 6 चूल्हे मिले, कितने लाल लालियों? 6 चूल्हों का प्रमाण भी कहां से मिलता है? आड़ से मिलता है, ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आड़ होगा लाल लालियों, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन हेरा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों और बड़े स्मरान से देखना, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? लाल लालियों, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। बेराट जयपुर में है, नगर टोंक में है, रेड भी टोंक में है। लाल लालियों एक बात मैं आपको बताता हूं कि यहां बात आ रही है सिक्कों की। लाल लालियों मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम में जो सिक्के चले थे ये चले थे पंच मार्क सिक्के। कौन सिक्के? पंच मार्क सिक्के सर्वप्रथम में चलाए थे, ये चलाए थे लाल लालियों अशोक ने। अशोक के सिक्के भारत में सबसे प्राचीन सिक्के, और लाल लालियों अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? लाल लालियों बौद्ध धर्म को मानता था। अब बौद्ध धर्म को मानता था तो राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र कहाँ था? बेराट। तो आप इस बात को जानते हो कि सर्वप्रथम में अशोक ने सिक्के चलाए थे, तो ये जो सिक्के थे या सिक्कों की बात आ रही है तो हम डायरेक्ट आंसर पे चल जाएंगे बेराट पर। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है कि इस आहार से मैं आपको, सॉरी इस बेराट से
मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में आगे चलकर ये समस्या का समाधान हो जाए। लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, बेराट में खुदाई के दौरान, लाल लालियों, बेराट में खुदाई के दौरान देखो 1936-37 में इसकी जो खोज करी थी, ये करी थी दयाराम साहनी ने। किसने करी थी लाल लालियों? दयाराम साहनी ने। और बेराट से 1837 में कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख खोजा था, कैप्टन बर्ट ने, और उस शिलालेख का नाम था भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख। और इस शिलालेख में अशोक ने लिखा था कि मैं बुद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। भाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। बेराट बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र था, बेराट महाभारत काल का स्थल था। आपको पता है कि बेराट में राजा विराट का अधिकार था और विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। आपको पता है कि राजा विराट के पास पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान ये पांडव जो रहे थे, ये राजा विराट के पास रहे थे हमारे जयपुर में। और महाभारत के युद्ध में राजा विराट ने यानी कि पांडवों का साथ दिया था। प्यारे बच्चों, राजा विराट के 2 बच्चे थे, दो का बता देता हूँ, एक बच्चे का नाम था उत्तर और लड़की का नाम था उत्तरा। और राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। और महाभारत युद्ध में राजा विराट के पुत्र उत्तर की पहली बलि दी गई थी, या कह सकते हो कि उत्तर महाभारत के युद्ध में पहला शहीद राजकुमार था, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा विराट का बेराट पर अधिकार था और यही बेराट महाभारत काल का स्थल है, ये मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ से महात्मा बुद्ध की अस्थियों की जानकारी भी मिलती है, हमें कलश मिलता है। तो यहाँ खुदाई के दौरान लाल लालियों, यहाँ खुदाई के दौरान हमें, खुदाई के दौरान यहाँ 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। बेराट से हमें कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? 36। 36 को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। 8 मुद्राएं तो थी अशोक की, और ये थी पंचमारक मुद्राएं, और बाकी बची 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की थी। आपको पता है कि मिनांडर और मिहिर कुल के आक्रमण के कारण बेराट सभ्यता नष्ट हुई थी और बेराट महाभारत कालीन स्थल था। लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा, क्वेश्चन करने से ही मतलब नहीं है, क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैल आश्रय प्राप्त हुए? लाल लालियों, क्वेश्चन ये है कि किस पुरा स्थल पर चित्रित यानी पेंटिंग, शैल आश्रय यानी कि चट्टानों पर चित्र बने हुए, चट्टानों पर चित्र बने हुए शैल आश्रय किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? लाल लालियों, ये आपको आंसर बताना है। लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अभी मैंने बात करी थी महाभारत कालीन बाण गंगा नदी के तट से खोजी गई बेराट सभ्यता से चित्रित शैल आश्रय हमें प्राप्त होते हैं। लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी, काली बंगा में ऐसा कुछ मिला नहीं, आहाड़ में ऐसा कुछ मिला नहीं, कांतले एक नदी है तो इसमें सभ्यता पूछी गई है, तो लाल लालियों उसका आंसर क्या होगा? बेराट होगा। लाल लालियों, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने
दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरस्थल से प्राप्त हुए। देखो, यानी कि आपको बताना है कि ऐसी सभ्यता जिसका जन्म ताम्र पृष्ठभूमि पर हुआ था, ताम्र पृष्ठभूमि इसका मतलब होता है लाल लालियों कि प्राचीन काल में तांबा प्रचुर मात्रा में था और अभी चल रहा लोह युग और ताम्र पृष्ठभूमि पर जिस सभ्यता का जन्म हुआ था वहां पर दुर्गीकरण के अवशेष प्राप्त हुए थे लाल लालियों। तो ये आपको आंसर बताना है और आप इस चीज को ध्यान में रखना। देखो लाल लालियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लाल लालियों बालाथल। क्या होगा? बालाथल होगा लाल लालियों। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो लाल लालियों, ताकि आगे चलकर आपको समस्या का समाधान करना पड़ जाए अपना। लाल लालियों अगला क्वेश्चन देखो लाल लालियों। देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल में जोक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? सोच लो और कमेंट कर दो, सोच लो और कमेंट कर दो, सोच लो और कमेंट कर लो। लाल लालियों, नहीं आया ना? अरे नहीं आया तभी तो मैंने दिया है, ऐसे क्वेश्चन में क्यों दूंगा जो तुम्हें डायरेक्ट आ जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में जोक बाबा प्रतिमा मिली है? तो लाल लालियों, तुमने पढ़ा भी होगा और तुमने सुना भी होगा लाल लालियों, और तुमने ये अच्छी तरह से सुना होगा लाल लालियों कि एक नदी है भरतपुर जिले में, और भरतपुर जिले में एक नदी है, नदी का नाम है रूपा रेल। लाल लालियों, सुना होगा और आपको पता है कि रूपा रेल नदी के किनारे एक स्थल खोजा गया, नोह स्थल, और नोह स्थल में से जोक बाबा की प्रतिमा हमें मिलती। लाल लालियों, जितनी भी सभ्यताएं लाल लालियों वो आपको डिटेल से बता दी जाएगी लाल लालियों, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं लाल लालियों। देखो अगला क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन है, युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में, लाल लालियों या क्वेश्चन लाल लालियों, रूप में किस स्थान को पहचाना गया है? लाल लालियों, क्वेश्चन क्या है ये आपको जानना है लाल लालियों। तो पहली बार तो युआन च्वांग लाल लालियों ये कौन है? तो लाल लालियों चीनी यात्री है, और चीनी यात्री हेनसांग है लाल लालियों, इसका दूसरा नाम, और हेनसांग लाल लालियों आया था भारत, और भारत आया था एक गुजर प्रतिहार काल में, गुजर प्रतिहार काल में ये भारत आया था, और राजस्थान भी आया था, और राजस्थान में दो जगह आया था, और राजस्थान में ये भीनमाल आया था, और भीनमाल कहां पड़ता है लाल लालियों? जालौर में पड़ता है, और भीनमाल को इसने कहा था पीलो मोलो। क्या कहा था? पीलो मोलो। तो लाल लालियों इसमें राइट आंसर भीनमाल है। चीनी यात्री हेनसांग, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, भारत यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री हेनसांग, जिसका दूसरा नाम क्या है? युआन च्वांग। ध्यान रखना है लाल लालियों। अगला क्वेश्चन लाल लालियों, राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेलकतापुरा स्थल स्थित है? लाल लालियों, राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेलकतापुर स्थल स्थित है? इसका डायरेक्ट आंसर बताना लाल लालियों। चलो फेंक दो लाल लालियों, फेंकने में क्या जाता है,
है ना, इज ए राइट आंसर इसका लाल लालियों, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए लाल लालियों, इसका राइट आंसर है लाल लालियों अलवर। क्या लाल लालियों? अलवर, ये आपको ध्यान रखना लाल लालियों। अगला क्वेश्चन देखो, आहार के उत्कनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लाल लालियों, आहार एक ग्रामीण सभ्यता थी, परिवार संयुक्तता, मिट्टी का प्रयोग होता था, घर कच्चे थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आहार के उत्कर्षण से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों के संकेत देती है, यानी आहार वासियों का संपर्क बाहर से था, ये आपको इसमें से कौन सी चीज बताती है? देखो, टेराकोटा और मनके, टेराकोटे और मनके आपने सिंधु सभ्यता में भी पढ़े होंगे। ताम्र उपकरण, हमारे भारत में ताम्र पृष्ठभूमि, तांबे की पर्याप्त मात्रा में थी। सेल खड़ी मिट्टी को बोलते हैं, लेकिन लेफिस लाजुली व्यापार में प्रयोग करने के लिए ये बाह्य सामग्री थी, और इनसे बर्तन और अन्य चीजें तैयार करके ये बाहर भेजा करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि आहार वासियों का संबंध यूनान से था, ये वस्तुएं बनाकर बेचा करते थे, वहां से इनको मुद्राएं मिला करती थी, तभी तो आहार से यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा हमें प्राप्त होती है, और इससे ये यूनानी देवता थे अपोलो, इनकी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी कि आहारवासी उपकरण और वस्तुएं बनाकर यानी विदेशों में बेचा करते थे। खुदाई के दौरान हमें यूनानी देवता अपोलो की जो मुद्रा प्राप्त होती है, इससे प्राप्त ये जानकारी हमें मिलती है कि आहार वासियों के व्यापारिक संबंध यूनान से रहे होंगे प्राचीन काल में भी। हमारे देश के व्यक्ति व्यापारिक संबंध यूनान से रखते थे, देखो आप, और भारत में कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती थी, तो ये ध्यान रखना ये विदेशी है जिनसे बर्तन और अन्य सामग्री तैयार, उपकरण तैयार किए जाते थे। कुल मिला के देखो लाल लालियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांड मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, पहले बार तो तुम्हारे मृदभांड मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या उपकरण ले लीजिए आप, लाल धरातल को, लाल धरातल पर काले रंगों को सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया, आहार कोटडिगी गिलुंड कालीमंगा। प्यारे बच्चों, आप पढ़ोगे लाल काले मृदभांड, दूसर मृदभांड, ऐसे आप पढ़ते हो सभ्यताओं में, तो आपको यह बताना है कि लाल और जिन पे काले का भी इस्तेमाल हुआ है, ये मृदभांड हमें किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। बोलो लाल लालियों, आंसर क्या जाएगा लाल लालियों? इसमें आंसर चला गया डी, आंसर चला गया कालीबंगा। लेकिन अब आपको समझना है, मैं समझा देता हूं आपको, क्योंकि आंसर जाने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज समझ में भी आनी चाहिए, और ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, और कन्फ्यूज वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन को हमेशा के लिए मिटा देना है। देखो, जो कालीबंगा थे ना, कालीबंगा, इस कालीबंगा सभ्यता में हमें लाल जो मिट्टी के बर्तन थे, लाल धरातल व काले रंग की पशु पक्षियों की आकृतियां मिली बर्तनों पर, उपकरणों पर, पशु पक्षी काले रंग की तो
पशु पक्षियों की आकृतियां थी। तो यानी कि लाल धरातल रहता था बर्तन का, लेकिन कोई भी चीज जो काले रंग से बनाई जाती थी वो काले रंग की आकृतियां बनवाए, पशु पक्षियों की आकृतियां मिली। लेकिन बिल्कुल आपको उल्टा चलना, आहाड़ में लाल काले मृदभांड मिले। मृदभांड यहां पर पूछा गया है, मृदभांडों के धरातल लाल थे और काले रंगों की सुंदर ज्वामितियां डिजाइने। तो काले रंग की बर्तनों पर डिजाइने जो बनाई जाती थी वो कालीबंगा सभ्यता में बनाई जाती थी बर्तनों पर, लेकिन लाल और काले मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? तो फिर आपको आंसर देना, आहार से लाल व काले रंग के, काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। लाल व काले रंग के मृदभांड आहार से प्राप्त हुए और लाल धरातल था और ज्वामितियां चित्र बने हुए थे पशु पक्षियों के, ऐसे बर्तन हमें कहां से प्राप्त हुए? लाल लालियों कालीबंगा से प्राप्त हुए लाल लालियों। और आपको अच्छी तरह ध्यान रखना लाल लालियों कि लाल और काले मृदभांड वाली सभ्यता, लाल काले मिट्टी के बर्तन आहार से थे और लाल धरातल था लेकिन काले रंग से चित्र बनाए गए थे पशु पक्षियों के, ये कालीबंगा में थे, ऐसे बर्तन हमें प्राप्त हुए लाल लालियों। देखो आगे देखना लाल लालियों, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता लाल लालियों? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता लाल लालियों। क्यूसन बड़ा जबरदस्त है लाल लालियों, क्यूसन कई बार आ भी चुका है लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है लाल लालियों। देखो आहार, देखो ताम्रवती, ताम्रवती सभ्यता कहा जाता आहाड़ को, ताम्र नगरी, ताम्र नगरी और ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है लाल लालियों। किसको किसको कहा जाता है लाल लालियों? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है लाल लालियों। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है और ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है आहाड़ को, दोनों में अंतर बता दूं लाल लालियों। आहाड़ सभ्यता में ज्यादातर जो वस्तुएं मिली थी ये तांबे की मिली थी लाल लालियों, और गणेश्वर सभ्यता के पास थोड़ी दूर पर लाल लालियों आपको पता है कि तांबे की खान है लाल लालियों, और आपको पता है अच्छी तरह एक स्थान है सुनारी, और सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में लाल लाली। और आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है और कांतली नदी से तांबे का पर्याप्त मात्रा में भंडार मिला है, इस कारण इस गणेश्वर सभ्यता के सारे नगर में पर्याप्त मात्रा में तांबा ही तांबे के औजार थे, इस कारण इसे ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है लाल लाली, ये आपको ध्यान रखना है। ताम्रवती सभ्यता आहाड़े लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता लाल लालियों? क्वेश्चन आपके सामने लाल लालियों, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातत्व के अनुसंधान करता है आपको बताना है लाल लालियों। हाँ पहली बार सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सुना तो है ना, रेड सभ्यता है टोंक में, कहां पर है? टोंक में। और 1938 में इस सभ्यता की खोज हुई थी, डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने करी थी और इनके साथ दयाराम साहनी भी थे, दयाराम साहनी। और यह सभ्यता खोजी गई थी डील नदी से, कहां से खोदी गई थी? डील नदी से। और रेड सभ्यता से सिक्कों का ढेर मिला था हमें,
सिक्कों का ढेर, और वो भी कौन से काल के, गुप्त काल के सिक्के मिले थे। इसलिए रेड को राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है, राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है रेड को। आपको बता लाल लालियों, तो डॉक्टर केदारनाथपुरी का संबंध कहाँ से लाल लालियों, रेड सभ्यता से हैं। और रेड सभ्यता कहाँ है लाल लालियों, टोंक में लाल लालियों। कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, ये आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के आहार देखो, चावल के प्रमाण आहार से मिले में विशेषताओं में है, तांबे की वस्तुएं अभी मैंने आपको बताई थी, चित्रित दूसर मृदभांड भी आहार से मिले थे, चित्रित दूसर मृदभांड भी मिले थे, और लाल काले मृदभांड भी मिले थे। या आपको कृष्ण लोहित मृदभांड ये नहीं मिले थे, लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड ये आहार से नहीं मिले थे, चावल मिले थे, तांबे की वस्तुएं मिली थी, और चित्रित दूसर लाल काले और चित्रित दूसर मृदभांड मिले थे आहार से, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमने विशेषता देखी थी लाल काले, तो दूसर भी उनमें जोड़ देना, लाल काले लाल लाली, लाल काले दूसर चित्रित, ये मृदभांड हमें कहाँ से मिले, ये तो मिले आड़ से, तांबे की वस्तुएं भी आड़ थे, चावल के अवशेष भी मिले थे, लेकिन कृष्ण लोहित मृदभांड हमें आड़ से नहीं मिले थे लाल लालियों, ये आपको ध्यान रखना लाल लालियों। और ये सभ्यताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे लाल लालियों, अगली क्लास फिर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा लाल लालियों। थैंक यू लाल लालियों।